हेलो, माय नेम इज श्रीदेश श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। सो आज मैं एक कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। सम्राट 366 ने पूछा है, व्हाई डोंट यू मेक शॉर्ट फिल्म्स विद योर फोन, कैन यू टेल व्हाई यू डू नॉट मेक शॉर्ट फिल्म्स। सम्राट भाई, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मुझे एक लड़का दिख रहा है जो बहुत यंग है और जो एक 30s में एक लड़के को देख रहा है जो अपना YouTube चैनल चला रहा है, जहाँ पे वो अपने फिल्म मेकिंग के एक्सपीरियंसेस बता रहा है पर फिल्में नहीं बना रहा है। और जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मुझे एक ऐसा लड़का दिख रहा है जो ये सारी चीज़ें ट्राई कर चुका है, उसके बाद भी उसको वो रिजल्ट नहीं मिले जो चाहता था। एंड द वर्ल्ड इन हिज टाइम चेंज सो फास्ट दैट ही इज अनेबल टू मीट अप विद इट। अब मैं इसको थोड़ा एलेबरेट करके बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अब आपने एक चीज़ लिखी है कि इफ़ यू हैव ट्रू पैशन एंड नॉट गेटिंग चांस, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। पैशन कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक ऐसा अच्छा शब्द है जिसको बनाया जाता है। आप काम करते रहते हो, चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, पैशन के चक्कर में ही बर्बाद होते हैं लोग, और मैं भी उसी चक्कर में बर्बाद हुआ। स्टीव जॉब्स की वो जो स्टैनफोर्ड वाली स्पीच है, उसने बहुतों को बर्बाद किया है। पैशन का मतलब और कुछ नहीं होता है, चेजिंग वन थिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है। सिंपल सा वर्ड है, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको फर्जी कॉम्प्लिकेट किया गया है और कुछ नहीं है। बेसिकली आई हैव मेट सो मेनी पीपल इन मुंबई हु हैव बीन मोर सक्सेसफुल बाय नॉट बीइंग पैशनेट अबाउट देयर वर्क बट जस्ट टेकिंग वर्क एज जस्ट डूइंग द वर्क। मैं एक बात बताता हूँ, जो भी मैं कल एक डायरेक्टर से बात कर रहा था और वो ये कर रहा था कि इफ़ यू आर वेरी इंटिमिडेटेड बाय द फिल्म इंडस्ट्री, आप एक्टर से बहुत इंटिमिडेटेड हो, आप फिल्मों को बहुत ज़्यादा पैशनेटली फॉलो करते हो, देन मुंबई में पहले 3-4 साल सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि जो एक्टर्स हैं और जो इमेज आपने उनकी बना रखी है वो एक भगवान की हो जाती है, एक हायर सुपर हीरो की हो जाती है। पर जब आप उनसे मिलते हो तो आपको पता चलता है कि वो वही लोग हैं, वो वही सिंपल लोग हैं। मैं आज भी बड़े एक्टर से मिलता हूँ तो स्मिटन हो जाता हूँ, मेरा अभी तक वो चुतियापा गया नहीं है। आई डोंट नो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, द पीपल हु आई हैव मेट इन मुंबई हु टेक फिल्म मेकिंग नॉट एज अ पैशन, नॉट एज एन आर्ट, बट एज अ बिजनेस, एज समथिंग दैट गो आउट एंड डू द जॉब फॉर, दे आर मच मोर सक्सेसफुल। उनको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल नहीं होता है, जो दिमाग नहीं लगाते बहुत ज़्यादा, जो अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं कि ये सब पैशन फॉर मी है, दाढ़ी बढ़ा के चप्पल पहन के क्रिएटिव बन के ये करके वो करके बकचोदी करते रहते हैं, वो बकचोदी करते रहते हैं जैसे मेरे जैसे लोग उस टाइम पे थे। अब नहीं करता हूं मैं उतनी ज़्यादा बकचोदी, वो टाइम जो प्रैक्टिकल थिंकिंग थी वो आने में टाइम लगा था। ये सब बातें ना सुनने में अच्छी लगती है, ये बातें ऐसा लगता है नहीं यार ये तो वही कैपिटलिस्टिक बातें कर रहा, वही दादा वाली बातें कर रहा, वही पापा भी तो ऐसे ही बोलते हैं, बिकॉज वो ये सब चीज़ें जान चुके हैं ओवर द टाइम, they have understood it। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने फादर के टीचर्स की बातें फॉलो की एंड दे बिकेम सक्सेसफुल, बट आई वाज काइंड ऑफ अ रेबल। एंड फिल्मों में रेबल को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, यू नो, रेबल अगेंस्ट सोसाइटी, रेबल अगेंस्ट दिस, रेबल अगेंस्ट दैट, बट वंस यू रेबल अगेंस्ट एवरीथिंग विदाउट अ कॉज, आपको रीजन नहीं पता, आप सिर्फ रेबल कर रहे हो, फर्जी का रेबल कर रहे हो। अब उस रेबल का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है कि आप एंड में कुछ आपको मिलता ही नहीं, जो कि आपको पता है कि आपको पता ही नहीं था आप रेबल क्यों कर रहे हो। सो एंड में जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर आप डिसअपॉइंटेड हो गए। यू डोंट हैव टू रेबल फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए रेबल करने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है दुनिया में, जस्ट फॉलो दैट, डू योर जॉब, कर्म करो। अब ये चीजें सुनने में इतनी बोरिंग लगती हैं, बिकॉज अगेन सोशल मीडिया यहाँ पे ये बताया जाता है लाइफ एक्साइटिंग होनी चाहिए, ट्रैवल करो, एवरी डे हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डे, डू दीज 10 things दैट यू हैव टू डू टू बिकम समथिंग लाइक दैट। नो, आई एम नॉट मेकिंग शॉर्ट फिल्म बिकॉज शॉर्ट फिल्म हैज नो बिजनेस इन इंडिया। मतलब आप लोग सिर्फ किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए बना सकते हो, पर सिर्फ बना बना के डालने से कुछ नहीं होता है। और दूसरा, अगर मैं बनाना चाहूँ भी तो अभी नहीं बना सकता, मतलब कि जो अभी यंग लड़के हैं उनके पास जो एडवांटेज है, जो मेरे पास एक टाइम में थी, वो आज मेरे पास नहीं है। और वो एडवांटेज ये है कि आज आपके जो दोस्त हैं वो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, वो अपने पापा के ऊपर आश्रित हैं, सो दे डोंट केयर अबाउट डूइंग थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। जब आप कॉलेज कर लेते हो और आप जॉब में चले जाते हो, देन यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग जस्ट फॉर द फन। आप चीज़ें इसलिए करते हो सो दैट यू एंटरटेन योरसेल्फ और यू स्टार्ट गेटिंग मनी फॉर इट। बट इवन माई फ्रेंड्स हैव स्टार्टेड आस्किंग मी फॉर मनी कि नहीं यार हम फ्री में नहीं करते, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रोफेशनल दोस्त भी हैं, और जो नहीं है प्रोफेशनल दोस्त वो इतने खराब एक्टर है, बिकॉज आई हैव गॉट दिस आई, बिकॉज आई हैव वर्कड इन फिल्म इंडस्ट्री। जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं किया आपने, तो आप किसी भी दोस्त से कुछ भी काम करा लोगे, आपको तो अच्छे बुरे का वो ज्ञान नहीं है ना, जो कि अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ नहीं है। अभी मुझे एक्टिंग का इतना ज्ञान हो चुका है इतनी फिल्में देखकर और इतने शूट्स देखकर, आई जस्ट कैन नॉट टॉलरेट इफ समवन इज नॉट एक्टिंग एज पर द प्रोटोकॉल्स। अच्छा, वो चीज़ दिमाग से नहीं जाएगी मेरे, वो मुझे पता है वो खराब एक्टिंग कर रहा है, मतलब कि मैं उसको परफेक्शन करना चाहूँगा, पर ऑफकोर्स वो अच्छा एक्टर नहीं है, वो तो मेरा दोस्त है। सो वो जो चीज़ें हैं ना, जो परफेक्शन है वो आपको रोकती है, जो टू मच नॉलेज है मेरे साथ, वो एक तरह से बाधा बनती जा रही है।
चीज़ों को ना करने के लिए, जो परसिवरेंस है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। लाइक सिर्फ फिल्म बना के कोई फायदा नहीं है। अब जैसे कि वीडियोज हैं, दीज वीडियोज आई डू नॉट पुट टू मच एफर्ट इन टू इट, आई जस्ट ओपन द कैमरा स्टार्ट मेकिंग इट। एंड अभी तो मेरा एक सब्सक्राइबर है जो मेरा छोटे भाई जैसा है रोहित, वो हेल्प कर देता है एडिटिंग करने में, वो एडिट कर देता है। नॉर्मली मैं एडिट भी बहुत ज़्यादा नहीं करता था, बिकॉज फॉर मी दीज वीडियोज आर जस्ट मैटर ऑफ क्लेंजिंग माई माइंड और मेकिंग इट काइंड ऑफ वीडियो डायरी फॉर मी, एंड जस्ट स्पीक let myself let loose and speak for whatever the fuck I want to speak. So that is one thing that I want to do with this channel. The thing is, that is why I don't make short films, because I don't have access to good people right now. जो लड़के भी मुझे मिलते हैं, they don't work for free, or because everyone has a YouTube channel or Instagram channel right now. Everyone is earning money, a little bit of money. Even if they are not earning money, they pretend that they are earning money. वो तो मतलब झूठ बोल देते हैं, अरे हम तो उस YouTube channel से इतना पैसा कमा रहे हैं, Instagram से इतना पैसा कमा रहे हैं। अगर वो कमा रहे होते तो उनकी लाइफ स्टाइल में दिखता, पर वो नहीं कमा रहे, उसके बाद भी they think that they deserve money. सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश करी है, एंड एवरी टाइम आई गो देयर एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव दम मनी, दैट वो मेरा अपना चुतिया पाया कि मेरे को उनको पैसे देना नहीं अच्छा लगता, बिकॉज मेरे को लगता है मैं किस बात का पैसा दे रहा हूँ। या तो यू ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल, आपको एक्टिंग आती हो, आपने कभी एक्टिंग करी नहीं है, एंड स्टिल यू आर आस्किंग मी फॉर मनी, हाउ डिड दिस हैपन? 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था। 10 साल पहले जब अपनी शॉर्ट फिल्म बनाता था, मैंने बहुत शॉर्ट फिल्म बनाई है भाई, और एड फिल्म भी करी है, मेरा रिज्यूमे शायद पड़ा होगा कहीं पर देख लेना। 10 साल पहले पीपल वर रियली लाइक ये हमें मौका ही मिल जाए बहुत बड़ी चीज है, पर अभी बिकॉज ऑफ दिस camera in every mobile, people have seen themselves on screen. It is very easy to see yourself on screen right now. Just make a video and upload it. And right now, there's too much awareness about that people earn money through YouTube and all these kind of things. So they expect money in return. कि अगर वो कुछ दे रहे तुमको, तो what are they getting in return? It is not just a pure joy of doing something. So घूम फिर के जो मैंने पहले बात बताई है, वही capitalist thinking आ जाती है. Everyone has started asking for money. So if you are young and you have friends and you are in college, make as many films as possible, because once you're out, it will be very difficult for you to make the film, because people will ask you for money on every juncture. That is why I am saving money. Every money that I get, I put it in some stocks or some mutual funds or some other place, because I want to make my film. And I have learned over the time from filmmakers that I have met and talked personally that they have made their first film on their own. मतलब हर एक बंदे से जिससे मेरी बात हुई है, सबने अपनी पहली फिल्म अपने ही उससे बनाई थी। मैंने अपनी कोइंसिडेंटली या फॉर्चुनेटली दो फिल्में जो मैंने बनाई थी उसमें मुझे प्रोड्यूसर्स मिल गए थे, पर अब जो तीसरी फिल्म मुझे बनानी है जिसमें बहुत टाइम लग गया है, वो मैं बनाना चाहता हूँ अपने पैसे, सो दैट आई कैन मेक द फिल्म दैट आई रियली वॉन्ट टू मेक, एंड आई नो इट विल वर्क बिकॉज आई विल पुट टू मच एफर्ट इन टू इट, आई विल कॉम्पनसेट द लैक ऑफ मनी थ्रू माई एफर्ट, बट आई हैव टू अरेंज मनी फॉर दैट। सो फॉर दैट आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल थिंग्स so that I can get money from multiple sources, so that I can collect that money and put it on my film. So that is my thinking right now. That's why I'm not making short film, because I want to make a feature film. That's it. I hope I answered your question. अगर जवाब मिल गया है तो comment box में लिखना, अगर नहीं मिला है तो फिर से लिखना, मैं फिर से जवाब देने की कोशिश करूंगा. Okay, चल, bye bye.